गुड मॉर्निंग। तो महेश राव पहुंच गए हैं पहली बार ही। शुरुआत में क्या बात है महेश, आज तो जागरूक हो गए, आप अवेयर हो गए हैं ना। चल गुड मॉर्निंग महेश, वेरी गुड मॉर्निंग। निखिल सिंगल गुड मॉर्निंग। अमन गुड मॉर्निंग। दीपेश जांगे राम राम। यशुदा गुड मॉर्निंग। चलो बहुत बढ़िया बात है ना, सारे बच्चे आना शुरू हो गए हैं। महेश राव कुछ ज्यादा ही एक्टिव हो गए हैं आज, वेरी गुड। तो आई होप क्वेश्चंस कर लिए होंगे आपने, है ना। क्वेश्चंस वगैरह आपने कर दिए होंगे कंप्लीट। शुरुआत करेंगे बस क्लास की जस्ट चंद पलों में। तो होमवर्क वगैरह हो गया सभी का, बताओ एक बार। रजत यादव गुड मॉर्निंग। सुरेंद्र हाँ, एक पंकज गुड मॉर्निंग। सुरेंद्र गुड मॉर्निंग। हाँ अटेंडेंस पूरी कर देना, ये बात बिल्कुल करेक्ट है आप लोगों की। अटेंडेंस पूरी करो और फिर करते हैं शुरुआत, है ना जी। चलो बहुत बढ़िया बात है। होमवर्क सभी ने कर लिया, बताना एक बार। अच्छा पहले आवाज वगैरह क्लियर आ रही है, एक बार ये बता दो। बोर्ड क्लियर है, क्योंकि यूज होगा बोर्ड का भी। आवाज क्लियर है, सारी चीजें क्लियर है, सब कुछ बताओ एक बार। चलो चलो, रोहित चौधरी भी आ गए हैं। ठीक है, तो बस फिर अपनी क्लास की शुरुआत करेंगे ना, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे और फटाक से अपनी क्लास पे पहुंच जाएंगे। अपनी बुक ओपन कर ली सभी ने, बताओ एक बार जल्दी से बताओ। बुक ओपन है सभी की, चलो। सचिन भी पहुंच गए हैं क्लास में, बहुत ही अच्छी बातें हैं। चलो ओपन हो गई है ना, तो फिर बताओ कहां से शुरू करना है, एक बार ये बताओ। पढ़ाई आज की कहां से शुरू करनी है। बताओ कहां से शुरू करनी है, फटाक से बताओ। चलो आज की पाठशाला करते हैं फिर शुरू, है ना, और शुरुआत करते हैं अच्छे तरीके से, एकदम बढ़िया तरीके से। चलो तो इक्वेशन कहीं ना कहीं आती है, हम चेंज करके बातें बातों पे जाते हैं और शुरू करते हैं आज की पाठशाला। चलो बहुत बढ़िया बातें हैं, सारी अच्छी हैं। नेहा गुड मॉर्निंग। चलो ऋषु भी पहुंच गए हैं। चलो अब करते हैं द न्यूज ऑफ एडवेंट, न्यूज ऑफ गांधीज एडवेंट। अच्छा मैंने एक बात बोली थी आपको, या तो मैं लिख लेता हूं पहले। तो इंडिगो पढ़ रहे हैं हम, है ना, और इंडिगो का आज पार्ट नंबर 2 की बात कर रहे हैं। ठीक है, इस पार्ट नंबर 2 में जो हम बातें कर रहे हैं, मैंने आपको होम रूल के बारे में बात की थी, है ना। लास्ट में टाइम नहीं था, इस वजह से मैंने इस चीज को बोला था आपको कि मैं बाद में बात करूंगा। कुछ ऐसी बातें हुई थी हमारी, है ना। अब देखो इसके बारे में थोड़ी सी बातें बता दूं, ज्यादा नहीं बातें करनी है। होम रूल क्या है, होम रूल वाली जो बात है, स्वशासन वाली बात है कि शासन मेरे, मैं अगर मैं चला रहा हूं अपनी क्लास, मैं कोई काम कर रहा हूं, तो शासन मेरे हाथ में होना चाहिए। इट मींस क्या कर रहा है बच्चे, यहां पे मैं अगर सीधे पीजेंट्स के साथ बात करता हूं, है ना, या अगर मैं सीधे पीजेंट्स के साथ बात करता हूं, तो पीजेंट्स के पास जो हमने शेयर क्रॉपिंग के मैटर पे इसको रखा था, है ना, शेयर क्रॉपिंग, जब शेयर क्रॉपिंग इनकी चल रही है, जमीन इनकी है ना, लैंड की बात करें तो लैंड के ओनर कौन है,
ओनर है ये शेयर क्रॉपर्स, ओनर है ये पीजेंट्स, है ना, तो फिर अधिकार किसका होना चाहिए? अधिकार भी इन्हीं का ही होना चाहिए। ये नहीं है कि अधिकार में चले जाए कौन, ब्रिटिशर्स, लेकिन ब्रिटिशर्स कुछ ऐसा ही कर रहे हैं, भूमि इनकी है, सब कुछ इनका है, मेहनत इनकी है, लेकिन पैसा सारा का सारा उनकी तरफ जा रहा है, कुछ वो वाली बातें यहां पे सामने आती है। ठीक है बच्चे, चलो आई होप समझ आ गया होगा। तो ये चीजें भी कहीं ना कहीं लागू करने वाली बातें थी। चलो आगे करते हैं। द न्यूज ऑफ गांधीज एडवेंट एंड ऑफ द नेचर ऑफ हिज मिशन स्प्रेड क्विकली थ्रू मुजफ्फरपुर। देखो बच्चे कहां पहुंचे थे हम, यहां से शुरू करते हैं, मुजफ्फरपुर से, है ना। और ये जो बात थी किसके आने की, गांधी के एडवेंट की, मींस गांधी का जो एडवेंट था, गांधी के आने की बात थी, वो कहीं ना कहीं पहुंच जाती है, चल पड़ती है, बहुत तेज गति से आपकी तरफ फैल जाती है, कहां, मुजफ्फरपुर के लिए। ठीक है, द न्यूज ऑफ गांधी एडवेंट मतलब उसके आगमन की बात है, उसके आने की बात है, आपको पता चल गया तो वो वाली बात है। एंड ऑफ द नेचर ऑफ हिज मिशन, देखो ध्यान से सुनना, अब इसका जो नेचर है ना, अब नेचर है वो कैसा है, नेचर का पता चला है तभी इसको बुलाया गया है, और मिशन जो है इसका, है ना बच्चे, अब ये निकल पड़ा है ना यहां, तो मिशन हमने ये भी पढ़ा था कि आके कलेक्ट करता है जो जितनी और चीजें हैं, इंफॉर्मेशन के बारे में जो बात करता है, वो सारी चीजें इसे कलेक्ट करनी है, और वहां जाने के बाद चीजें और अच्छे से घूमना शुरू होगी। तो ये होता है, और नेचर आपको पता ही है, तरीके से काम करने वाला इंसान है, है ना, तो और मिशन चालू हो ही गया। चलो एंड टू चंपारण, देखो या मुजफ्फरपुर से वो बात पहुंची, और मुजफ्फरपुर होते हुए कहां गई, चंपारण, हमने एन रूट टू चंपारण वाली बात की थी ना यहां पे, तो यहां से होती हुई टू, फिर से टू आ रहा है, ध्यान रखना बच्चे मैंने टू के बारे में आपको क्या चीजें समझाई थी, क्लियर है। चलो आगे क्या कहते हैं, शेयर क्रॉपर्स फ्रॉम चंपारण बिगिन अराइविंग ऑन फुट। अब देखो बच्चे यहां से अगर मैं इसकी तस्वीर बना दूं यहां पे, तो इक्वेशन क्या आ रही है यहां पे, है ना, ये कुछ आने लगे यहां से, पैदल पैदल ही पहुंच गए, है ना, ये यहां जब आवाज पड़ी, जब पता चला, तो ये पैदल पैदल ही चल पड़े शहर के लिए कि पहुंच ही जाएंगे, दिक्कत नहीं आएगी, कुछ ऐसी कहानी शुरू हो जाती है। ठीक है, फिर क्या कहते हैं, शेयर क्रॉपर्स फ्रॉम चंपारण बिगिन अराइविंग ऑन फुट एंड बाय कन्विंस, मतलब खुद के ही कन्विंस है, किसी की जरूरत नहीं है, कोई आएगा जैसे रैली में होता है ना, बस वगैरह भेजी जाती है, फिर वो बैठ के जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं था, बस ये अपनी मर्जी से जाने के लिए क्या है, तैयार है। ठीक है, इसलिए चल पड़ते हैं, परेशान हो चुके बेचारे, तो जाएंगे। एंड बाय कन्विंस टू सी देयर चैंपियन, अब अच्छा चैंपियन की और फोटो बना देते हैं यहाँ पे ना, ये चैंपियन है हमारा गांधी जी, है ना, और एक चश्मा बना देते हैं यू यहां पे, है ना, ये हमारे गांधी जी हैं। ठीक है, तो ये गांधी जी हैं, तो इसके लिए चल पड़ते कि यहां आजादी मिलेगी तो मिलेगी, कुछ बचने वाला नहीं है, ये कंफर्म हो चुका है। ठीक है, अपने चैंपियन को देखने जा रहे हैं, चैंपियन क्यों कहा जा रहा है, आने से पहले ही चैंपियन बता दिया गया है, आने से पहले अगर चैंपियन बता दिया गया है तो एक सिंपल सा मैटर ये है कि इसका जो वे है काम करने का, है ना, इसका जो वे है काम करने का, इसको अगर चैंपियन मैं बोलूं यहां पे लिखूं, है ना, तो फिर कहीं ना कहीं ये चीज ऐसी है, कहीं ना कहीं सॉलिडेरिटी नजर आती है, इस पे कंप्लीट डिपेंडेंट हो सकते हैं ये, अगर इसने हाँ कर दी कि ठीक है चलेगा काम, तो फिर जी होगा ही होगा, ये ऐसी बातें कुछ गांधी जी के बारे में सामने आती है, है ना, चैंपियन बोला जा रहा है तो यू ही नहीं बोला जा रहा है, एक क्वालिटी ऐड की जा रही है, सॉलिडेरिटी है, डिटर्मिनेशन है, चीजों को डील करने वाली बात है ना, यहां से डीलिंग बोल सकते हैं, है ना, सॉलिड फाउंडेशन बोल सकते हैं, क्लैरिटी मैं बोल सकता हूं इसके साथ, है ना, डिटर्मिनेशन मैं बोल सकता हूं, ठीक है ना, तो ऐसी वाली बातें हैं, ऑब्लिगेशन वाली भी मैं बात कर सकता हूं कि ऑब्लिगेशन इन लोगों की है और सॉल्यूशन ये करने वाले हैं, है ना, तो ये बहुत सारी बातें हैं जो आराम से शुरू हो जाती है। ठीक है जी, मुजफ्फरपुर लॉयर्स कॉल्ड ऑन गांधी टू ब्रीफ हिम। अब मुजफ्फरपुर के जो लॉयर्स है ना बच्चे, यहां मुजफ्फरपुर है ना, ये एक जगह, और लॉयर्स यहां पे लॉयर्स, क्या किया जाता है, कॉल ऑन गांधी, है ना, गांधी जी को बुलाने वाली बातें हैं, मुजफ्फरपुर लॉयर्स कॉल ऑन गांधी टू ब्रीफ हिम, मतलब संक्षेप में उससे बात करना चाहते हैं
ये मान लो ये वो इंसान है ना, ये वाले, तो ये क्या करते हैं, यहाँ गांधी जी है और यहाँ मुजफ्फरपुर वाले लॉयर्स है। अब क्या करते हैं, इससे थोड़ा सा संक्षेप मतलब ब्रीफ में कुछ थोड़े टाइम के लिए, दो चार मिनट के लिए, पांच सात दस मिनट, पंद्रह बीस मिनट के लिए आमने सामने हो जाए, तो इसकी बातों से ये कंफर्म हो जाएगा कि होने क्या वाला है एग्जैक्टली। ठीक है, उस बात से चलो। टू ब्रीफ हिम, दे फ्रीक्वेंटली रिप्रेजेंटेड पीजेंट्स ग्रुप इन कोर्ट। अब अच्छा, ये क्या करते हैं, ये वाले जो इंसान है ना, ये क्या करते हैं, यहां पे इन लोगों को, है ना, ये जो ग्रुप बना हुआ है, इन लोगों को क्या करते हैं, पीजेंट्स ग्रुप है, है ना, ये पीजेंट्स ग्रुप मान सकते हैं। अब पीजेंट ग्रुप है तो फिर जी क्या हो सकता है, इनको कहां पेश किया जाता है, कोर्ट में, है ना, पीजेंट्स ग्रुप इन कोर्ट। और कौन करता है, ये लॉयर्स करते हैं, ये वाली बात है। ठीक है, लॉयर का काम कुछ ऐसा है, फटाफट करते हैं। दे टोल्ड हिम अबाउट देयर केसेस एंड रिपोर्टेड द साइज ऑफ देयर फी। देखो जी क्या कहा जाता है, दे टोल्ड हिम अबाउट द फी, उसको बताते हैं क्या फीस कितनी होगी, है ना। अब कोर्ट में आ गए बच्चे तो फीस तो लगेगी ही लगेगी, है ना। क्या कहता है, दे टोल्ड हिम अबाउट देयर केसेस, केसेस के बारे में बात होती है, ठीक है, कि को वहां चलेगा तो फिर होना ही है, केसेस के बारे में बात है, एंड रिपोर्टेड द साइज ऑफ देयर फी। अब फी स्ट्रक्चर कितना होगा, फी ज्यादा होगी कम होगी, वो सारी बातें की जाती है, है ना, ये सारी बातें उनको इंतला कर दी जाती है, समझा दी जाती है कि क्या होने वाला है। चलो अब मैं थोड़े से बात पूछ लेता हूं आपसे, है ना, अब कमेंट ले लेते हैं, बताओ एक बार, चलो जतिन भी, अंकित भी आ चुके हैं, अंकिता भी आ चुकी है, गुड मॉर्निंग अंकिता, दिव्या, वर्षा भी आ गई है, संजू भी आ गई है, महेश राव, यस सर, ठीक है, रिंकू मान प्रेजेंट सर, नॉन मेडिकल, ठीक है भाई, बताओ इसमें कोई दिक्कत है या कुछ परेशानी है तो बताओ एक बार जल्दी से। यहां तक की बातें में कोई दिक्कत है तो बोलो। चलो अलका भी आ गई है, हाँ जल्दी पहुंचा करो, लेट हो रहे बच्चे, पढ़ना नहीं है क्या, पढ़ने का विचार कम है। चलो, है ना, अच्छी बात है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाक से जब बोलूं समय मैसेज किया करो फटाक से, फिर अपना पढ़ने पे कंसंट्रेट करेंगे। ये नजर आ रहा है ना, जो चीजें लिख रहा हूं ये क्लियर आ रही है ना नजर, कभी ये नजर सही नहीं आ रही हूं, वर्डिंग समझ आ रही है सारी की सारी। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया ना, रिंकू, वसुधा, यश, महेश, चलो भाई बहुत अच्छी बात है ना। चलो आगे चलते हैं ना, आगे आगे पहुंचते हैं। देखो अब क्या होता है बच्चे, गांधी चाइडेड द लॉयर्स। देखो यहां वाला जो इशू आता है ना, ये कोर्ट साइज ऑफ फी, ये वाली बातें है, है ना, इसके लिए इन लॉयर्स का हाल क्या करते हैं, गांधी जी। अब गांधी जी मिलते हैं इन लॉयर्स के साथ, ठीक है, अब इन लॉयर्स के साथ मिलते हैं तो यहां जी डांट फटकार शुरू हो जाती है तरीके से, है ना, चाइडेड, यहां डांट फटकार हो जाती है तरीके से शुरू, यहां गेम होता है गांधी जी का और लॉयर्स का शुरू। ठीक है, आगे बात करते हैं, गांधी चाइडेड द लॉयर्स फॉर कलेक्टिंग बिग फी फ्रॉम द शेयर प्रॉपर्स। अब देखो लॉयर्स से इनको सोचना चाहिए था, भारत के ब्रिटिशर्स के साथ होके और इनसे बेचारों से पैसे वसूल रहे हैं ना, ऐड रहे हैं। अब ये क्या करता है, गांधी जी को डांट फटकार लगाता है, और डांट फटकार लगाता है किस वजह से, ये जो फी का स्ट्रक्चर है ना, ये वाली चीज, इस पे क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि आप इतनी फीस ले रहे हैं, आपको फीस लेनी नहीं चाहिए, इन बातों पे काम शुरू हो जाए। बेचारे पैसे कहां से लाएंगे, इनकी पैसा तो सारे ब्रिटिशर्स ले जाते हैं, ये पैसा लाएंगे कहां से, आपको फी देंगे कहां से, है ना, कुछ वो वाली बात। ठीक है बच्चे, चलो, बिग फी फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स, ही सेड आई हैव कम टू द कंक्लूजन दैट वी शुड स्टॉप गोइंग टू लॉ कोर्ट्स। अब देखो बच्चे, ये जो है ना फी की बात आती है, तो ये क्या करता है, गांधी जी है ना इनको समझाते हैं, गांधी जी इनको समझाते हैं बिल्कुल क्लियरली कि हमें कहां नहीं जाना है, लॉ कोर्ट्स, लॉ कोर्ट्स को स्टॉप करना होगा, है ना, यहां हमें कतई नहीं जाना है, यहां जाएंगे तो ये लॉयर्स मिलेंगे, उनको हम फिर ज्यादा रोक टोक कर नहीं पाएंगे प्रॉपरली, है ना, वो फिर ज्यादा दिक्कत का सबब बन जाए, आप लॉ कोर्ट जाओ मत, है ना, इस कानून की तरफ जाओ ही मत, हम करेंगे तरीके से काम। देखो तो गांधी जी कंक्लूजन निकालते हैं दैट वी शुड स्टॉप गोइंग टू लॉ कोर्ट्स, टेकिंग सच केसेस टू द कोर्ट डज लिटिल गुड। अब देखो इस तरह के केसेस है ना, कहां जा रहे हैं, कोर्ट में जा रहे हैं, यहां अगर केसेस जा रहे हैं तो फिर जी ये हमें ज्यादा अच्छी वाली बातें नहीं देने वाले, क्योंकि कोर्ट में जाके फिर केस लड़ना,
पेंडिंग चलते रहना, तारीखों पे तारीख मिलते रहना, सॉल्यूशन नजर नहीं आना, पैसे की दिक्कत और होना स्टार्ट हो जाती है, पैसे हजम होना शुरू हो जाते हैं, है ना। तो इस वजह से कुछ ये बात करना शुरू करता है। फिर क्या कहता है बच्चे, वेयर द पीजेंट्स आर सो क्रश्ड एंड फियर स्ट्रिकन। देखो अब पीजेंट्स के हालात बताए गए यहां पे, मैं आपको बता रहा हूं क्रश, है ना, क्रश और साथ में फियर स्ट्रिकन, ये इनके साथ क्या हो रहा है, ज्यादती हो रही है, है ना। अब देखो फियर, क्रश एंड फियर स्ट्रिकन, क्रश मीन्स कुचल देना, लेकिन बच्चे यहां कुचला कैसे जा रहा है, कुछ इन पे चढ़ाया नहीं जा रहा है कि ट्रक चला दिया, वैसे कुचला नहीं जा रहा है, इनकी कंडीशन को कुचला जा रहा है, इनसे पैसे वसूले जा रहे हैं। ब्रिटिशर्स तो पहले से ही कर रहे हैं, है ना, शेयर ड्रॉपिंग के साथ, और इनके साथ मतलब ज्यादती हो रही है ये कह सकते हैं प्रॉपरली, ठीक है, ये वाली बातें। तो उस तरह से इनको कुचला जा रहा है कि बेचारे उठ नहीं सकते हैं, कुछ गलत काम हो गया, इनके खिलाफत में कोई बात आ गई ना बच्चे, तो ये बोल नहीं सकते हैं, कुछ ऐसी वाली कंडीशन यहां साफ तौर पर झलकती है, ठीक है। फियर स्ट्रिकन, जब ये वाली कंडीशन है, मेंटली टॉर्चर भी मैं बोल सकता हूं इनको, है ना, मेंटली टॉर्चर भी मैं क्या कर सकता हूं, इस चीज को मैं बोल सकता हूं। मेंटली टॉर्चर क्यों होगा, क्योंकि जब धमकाया जाएगा तो बेचारे फिर कहीं ना कहीं वो इफेक्ट माइंड से रिलेट करता है ना, माइंड से इनको क्रश किया जाता है धमकाकर, है ना। और फियर स्ट्रिकन जब ये कंडीशन आएगी ना बच्चे, तो फिर जी ये तो आनी ही आनी है, भैंसे ग्रस्त हो जाएंगे, भैंसे पीछा छूट नहीं पाएगा, किसी भी कंडीशन पे कुछ भी हो जाए, इनका पीछा नहीं छूटना तो नहीं छूटना, मतलब इन पे हावी है कौन बच्चे, एक तो ब्रिटिशर्स हावी है तरीके से, उसके बाद हमारे ही देश के जो लॉयर्स हैं वो हावी हैं इनके ऊपर, तो बताओ बेचारे दो दो ताकतों से कैसे लड़ पाएंगे, पहले ही हालात खराब है, अच्छे नहीं है, तो कैसे लड़ेंगे बताओ मुझे एक बार, है ना। चलो बात करते हैं थोड़ी सी आगे। स्ट्रिकन, लॉ कोर्ट्स आर यूजलेस। देखो इन लॉ कोर्ट्स को बच्चे क्या बताता है यहां पे, जो है मैंने कहा लिखा था एलसी लिखा ना, ये लॉ कोर्ट्स, इनको क्या बताया जाता है, यूजलेस नहीं है ये कतई यूजलेस नहीं है, लेकिन इन पीजेंट्स के लिए, इन अनएजुकेटेड लोगों के लिए, है ना, ये लोग क्या, ये क्या है, ये लॉ कोर्ट्स बिल्कुल यूजलेस, इनके फायदे की चीज नहीं है, कतई नहीं है, ठीक है। चलो, द रियल रिलीफ फॉर देम इज टू बी फ्री फ्रॉम फियर, रियल रिलीफ। अब रियल रिलीफ देखो ये अल्टीमेट लाइन है बच्चे, ध्यान रखना ये लाइन, नोट करनी है आपको, द रियल रिलीफ फॉर देम इज टू फ्री फ्रॉम फियर, मैं यही लिख देता हूं यहां पे, क्रश ऑफ फियर, फ्री फ्रॉम फियर, है ना। और इसको मैं कंक्लूजन दे रहा हूं रियल रिलीफ, मैं इसको एक सिंपल भाषा में क्या बोल सकता हूं, इसको मैं इसको वन वर्ड या बोलूं या एक इन ब्रीफ बोलूं, मैं इसको रियल रिलीफ बोलता हूं। रियल रिलीफ कहां से मिलने वाला है, वो कोई टैबलेट लेके नहीं मिलने वाला है ना, इनो लेके नहीं मिलने वाला है, ठीक है। सरदर्द का हो गया तो हमने जो भी हमने टैबलेट ले ली, टैबलेट नहीं लेनी, है ना। फ्री फ्रॉम फियर, ये इसका काम है कि क्या करना है, फियर से फ्री करना है, वो जो क्रश, फियर स्ट्रिकन, लॉ कोर्ट्स, पैसे देना, है ना, ये इन सारी चीजों से, शेयर क्रॉपिंग हुई, है ना, ये सारी चीजों से क्या कर देना है बच्चे, हटा देना है, ठीक है, और कंडीशन को अपने फेवरेबल लाना है, ये कहना चाह रहा है यहां पर, ठीक है। तो अल्टीमेट लाइन है, इस चीज को ध्यान रखना है, आपको फिर भी डाउट लगता है तो मैं एक बार कमेंट चेक कर रहा हूं, मुझे अब बता दो आप, ठीक है, मैं चेक कर लेता हूं एक बार, ना बताओ। चलो वसु भी आ गए, गुड मॉर्निंग वासु, लेट चल रहा है बच्चे, टाइम पे आना स्टार्ट करो, अनुज लेट चल रहे हैं भाई, है ना, टाइम से आओ बच्चे, नुकसान आपका ही होगा इसमें, क्लास लोगे फायदा होगा, है ना, कितनी बातें समझा चुके हैं क्लासेस के अंदर, अब ज्यादा नहीं है ना, हाँ जी क्लियर है, ध्यान से सुनो, आओ आपको मशक्कत कम करनी पड़ेगी, बैठ के आराम से सुनना ही तो है, क्या करोगे वैसे भी, हाँ जी एक बार ये रिस्पॉन्स दे दो, क्लियर है ना सारा, कोई बात पूछनी हो, यहां तक का कोई डाउट हो, कुछ पूछना चाह रहे हो तो बताओ एक बार जल्दी से। चलो रिशु भी करें क्लियर है, ठीक है भाई, अमन क्लियर, ठीक है भाई, हाँ एक बार रिस्पॉन्स दे दिया करो फटाक से, अलका ने, हाँ ठीक है भाई, ओके ओके, चलो चलो ज्यादा टाइम नहीं करेंगे, फिर चलते हैं वापस अपनी क्लास पे, है ना। चलो अब बच्चे क्या स्टार्ट होता है, यहां फ्री फ्रॉम फियर वाली बात आती है, तो हमें हटाना है डर, हटाना है किसी भी तरह से, डर हटना चाहिए, है ना। अब क्या कहते हैं, Most of the arable land in the Champaran district was divided into two large estates owned by Englishmen
एंड वर्क्ड बाय इंडियन टीनेजर्स। अब देखो मैं ये बना देता हूं, मैं आपके लिए यहां पे बना देता हूं ना, ये कुछ भूमि है ना, ये इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में कहीं ना कहीं ये भूमि है, ठीक है, इस तरह से हम बात बना सकते हैं, ठीक है, ये छोटे छोटे टुकड़े हैं बच्चे, सब ओनर है अपने आप में, है ना, यहां पे। तो ये हम चंपारण ही बना रहा हूं मैं, अब ये नोट कर लेना, ये जो मैप तैयार हो रहा है बच्चे, ये किसका तैयार हो रहा है, ये इन्हीं का ही तैयार हो रहा है ना, यहां पे इनको बना लेना, आप ज्यादा अच्छे बनाओगे मेरे से। चंपारण मान लो बच्चे, ठीक है, क्या मान लो, चंपारण है ये। अब देखो क्या होता है, ध्यान से सुनना इस बात के लिए, मोस्ट ऑफ दी एरेबल लैंड, ये मान लो लगभग ये कैसी है भूमि है ना, जो उपजाऊ भूमि है, इसको मैं क्या बोलूं, एरेबल लैंड है ना, खेती करने योग्य भूमि है, उपजाऊ है, पैदावार होती है सर, तभी वो चीज है। मोस्ट ऑफ दी एरेबल लैंड, इसमें से ये मान लो कि इसका इतना हिस्सा है ना, यहां तक का हिस्सा, ये वाला जो पोर्शन है यहां तक, मोस्ट ऑफ बोले तो हम यहां जा सकते हैं, क्लियर, ठीक है बच्चे। Most of the arable land in the Champaran district was divided into two large states. Into large states. अब देखो यहाँ पे ये मान लो कि दो हिस्सों में divide कर दिया इसको, है ना? दो हिस्सों में divide कर दिया, दो parts में अगर divide कर दिया, तो boundary line बन गई। कैसे? Owned by Englishmen. बच्चे इन पे अधिकार किसका होगा? इन पे owner की तरह काम करेंगे Englishmen. It means मैं क्या कह सकता हूँ? Britishers, है ना? Britishers. ओनर ब्रिटिशर्स होंगे। और दूसरी बात क्या कह रहा है, वर्क बाय इंडियन टीनेजर्स, है ना, वर्क पर्सन, वर्कमैन कौन होगा, वर्कमैन इंडियन टीनेजर्स होंगे, ठीक है, इंडियन टीनेजर्स, जो भारतीय है वो क्या होंगे सर, यहां पे टीनेजर्स के रूप में काम करते हुए नजर आएंगे आपको, ठीक है जी, ये है दो बातें। उसके बाद क्या होगा, द चीफ कमर्शियल क्रॉप वॉज इंडिगो, चैप्टर का नाम क्या है बच्चे, इंडिगो, नील की खेती बोला जाता है ना, तो यहां पे जो चीफ कमर्शियल क्रॉप, ये मान लो यहां पे कुछ भी उगा हुआ है ना, यहां पे कुछ भी अगर उगा हुआ है, ठीक है, इन खेतों में, तो जी वो है सारी की सारी क्या है बच्चे, इंडिगो, ठीक है, वो सारा क्या है, इंडिगो है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है, चलो, क्योंकि मेन फसल यहां यही होती है, तो इसी की बात की जा रही है, ठीक है। द लैंडलॉर्ड्स कंपेल्ड ऑल टेनेंट्स टू प्लांट 320 or 15% of their holdings with indigo and surrender the entire indigo harvest as rent. देखो कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं कि 15% के आसपास तो बच्चे आप ले सकते हो, इनके लिए तो 15% है ना, और रेस्ट ऑफ द पार्ट क्या कहता है, रेस्ट ऑफ द पार्ट अगर मैं बोलूं तो यहां पे सर ये लेके जाएंगे, है ना, सारा का सारा होल्ड किसका होगा, 1585 का रेशियो हो गया, ये साफ तौर पर कैसे, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं, दिस वॉज डन बाय लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट। देखो अब क्या कहते हैं, अब वो बात हो जाए जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो वो वाली बात है, अब क्या कहा जाता है, दिस वॉज डन बाय लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, और बच्चे ये वाली जो बात है ना, एक लंबे टर्म के लिए साइन हो जाती है, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, टर्म लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया बच्चे, अब कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया ना, तो फिर तो जी दिक्कतें बन गई, अब ये तो लंबा कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कोर्ट में जाएंगे तो दिखा देंगे, देखो जी इन्हीं के साइन है ना, कागजात वगैरह दिखा देंगे, फिर क्या करेंगे बेचारे, फिर गए काम से, अब जितने अगर लंबा 10-12 साल का कर दिया तो ये तो हो गए बेचारे, है ना, 2-4 साल का कर दिया तो भी, 1 साल कर दिया तो भी गए ये तो काम से, इनका कुछ नहीं होना फिर, है ना, ये चीजें हैं असली जड़ चीज ये वाली है, ठीक है। प्रेजेंटली फिलहाल की बात करता है, द लैंडलॉर्ड्स लर्न दैट जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो। अब लैंडलॉर्ड्स जो है ब्रिटिशर्स हैं, क्या जाना उन्होंने, ये जाना दैट जर्मनी ने क्या डेवलप कर दिया है, सिंथेटिक इंडिगो। अब मैं यहां पे बात कर सकता हूं जर्मनी, है ना, जर्मनी ने क्या कर दिया है यहां पे, सिंथेटिक इंडिगो डेवलप कर दिया बच्चे। अब उन्होंने जिस सिंथेटिक कर दिया, ये ओरिजिनलिटी है वो सिंथेटिक है ना, सिंथेटिक इंडिगो। They thereupon obtained agreements from the sharecroppers to pay them compensation for being released from the 15% arrangement. देखो, उसके बाद क्या होता है? They thereupon obtained agreements ले लेते हैं, है ना? Agreement ले लिए from the sharecroppers, sharecroppers से ले लिया जाता है ये point, क्या? To pay them compensation, कि pay किया जाएगा उनको क्या compensation,
जो क्षतिपूर्ति होगी, कुछ नुकसान हो जाता है तो जी वो पे किया जाएगा। फॉर बींग रिलीज, उसी में से रिलीज करना, वहीं से फॉर बींग रिलीज, क्योंकि रिलीज करना है क्या, फॉर बींग रिलीज फ्रॉम द 15% अरेंजमेंट, उस 15% अरेंजमेंट में से ही ये चीजें क्या करनी है, रिलीज करनी है। तो मतलब घाटे का सौदा हो चुका है और घाटे में कौन चल रहा है, घाटे में हमारा हिंदू चल रहा है ना। ये हमारे पीजेंट्स, जो हम शेयर क्रॉपर बोले, हम पीजेंट्स है, किसान है, छोटे किसान है, उनके साथ ऐसे हालात हो रहे हैं, है ना। नॉर्मली आप देख सकते हैं कंडीशन ऐसी होती है, ठीक है। तो कुछ ऐसी वाली बातें, आगे बातें समझ में, या तो कुछ पूछना चाह रहे हो आप तो बता सकते हो एक बार, नहीं तो फिर कंटिन्यू करते हैं ना। या कुछ पूछना है तो बताओ बच्चे एक बार जल्दी से। बताओ बताओ, पूछना है तो फटाक से बोलो। ठीक है अंकिता वासु अलका, ठीक है भाई, चलो आगे चलते हैं फिर कंटिन्यू ना। चलो अब क्या होता है, देखो द शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट वॉज एक्सम टू द पीजेंट्स। अब बच्चे क्या हालात हो गए थे कि ये शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट जो बन गया था ना, ये बहुत ज्यादा नुकसानदायक सिचुएशन थी, ये एक इर्कसम, मैं क्या बोलूं, इर्कसम जो बोल रहे हैं ना, वो कह रहे हैं क्लेश कर हो गया था। अब क्लेश हो जाता है ना, घर में भी क्लेश हो गया, आपस में कहासुनी हो गई, ज्यादा कहासुनी हो गई, ज्यादा मारपीट स्टार्ट हो गई, कहीं ना कहीं वो क्लेश बन जाता है, क्लेश में रहना आसान नहीं होता है, दिक्कतें बहुत सारी बन जाती है ना। तो कुछ ऐसा ही हो रहा है, यहां धमाधम हो रही है आपस में, है ना, और फिर काम स्टार्ट। एंड मैनी साइन विलिंगली, अब अच्छा क्या करेंगे, इन्होंने साइन कर दिए, विलिंगली साइन कर दिए, बेचारे करें क्या, ऑप्शन नहीं है, सुने तो सुने किसकी, जाए तो जाए कहां, आफतें फंस गए, आगे हुआ पीछे खाई, बीच में पीसेंस। चलो दोज हु रेजिस्टेड एंगेज लॉयर्स, अब जिन्होंने विरोध किया ना बच्चे, जो विरोध कर गए है ना, दो चार होंगे, उन्होंने विरोध किया, एंगेज लॉयर, लॉयर्स एंगेज हो गए। अब लॉयर भी ठग बन गए थे बच्चे, यहां पे आपने पढ़ा ही है, थोड़ी देर पहले हमने सुना है, एंगेज लॉयर्स द लैंडलॉर्ड हायर्ड ठग्स, लैंडलॉर्ड्स ने क्या किया, उन्होंने ठग्स, जो गुंडे मवाली होते हैं, अरे मूवी में नहीं देखते हो क्या, वो ठग्स ले आते हैं, गुंडे मवाली होते हैं, टटपूंजी होते हैं, है ना, फिर भागते पिटते हुए चले जाते हैं, कुछ वैसी बातें। मीन वाइल उसी दौरान द इंफॉर्मेशन अबाउट सिंथेटिक इंडिगो रीच द इलिटरेट पीजेंट्स, उसी दौरान जो इंफॉर्मेशन है बच्चे, है ना, अबाउट सिंथेटिक इंडिगो, सिंथेटिक इंडिगो के बारे में रीच द इलिटरेट पीजेंट्स, उन इलिटरेट पीजेंट्स के पास, इलिटरेट क्या बोलूं, इलिटरेट पीजेंट्स के बारे में, जो फियर स्ट्रिकन है, क्रश वाली कंडीशन है ना, वो एट साइन, जिन्होंने साइन किया था, एंड दे वॉच एंड दे वॉन्टेड देयर मनी बैक, साइन कर दिया ना बच्चे तो फिर कुछ नहीं होना जाना है, सारी चीजें फाइनल हो चुकी हैं। उसके बाद क्या कह रहा है, वो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है तो कुछ होना जाना वैसे नहीं है, एंड दे वॉन्टेड देयर मनी बैक, पैसा भी चाहिए सर, अब वो चाहते हैं कि हमें हमारा हक मिले, हमने पैसे दिया ना, वो पैसे वापस मिले, अब जाग जाते हैं कुछ थोड़े से। चलो एट दिस पॉइंट गांधी अराइव्ड इन चंपारण, मतलब फिल्म की जैसे स्टोरी बन गई एकदम से, है ना, हीरो बिल्कुल लास्ट में एंटर करता है, जब सब कुछ बहुत ज्यादा तहसनेस हो गया तब हीरो एंटर करता है और फिर जाके सारी चीजों को झाड़ पे छोड़ देता है, एकदम से सही कंडीशन पर लेकर जाता है, ठीक है जी। यह है कुछ बात आज, है ना, एट दिस पॉइंट ध्यान रखना है कौन से पॉइंट के ऊपर। चलो ही बिगेन बाय ट्राइंग टू गेट द फैक्ट्स, उसने शुरू किया सर कहां से, गांधी जी ने क्या शुरू किया बच्चे, गांधी जी ने शुरू किया कहां से, लिखूं यहां लिख देता हूं फैक्ट्स, है ना, उसने फैक्ट्स से गाड़ी शुरू कर दी, बिगिनिंग कर दी, है ना, बिगिन। फिर क्या, फॉर फर्स्ट विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन, जी कहां जाते हैं गांधी जी, हमारे ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन पहुंच जाते हैं, और वहां पहुंचने के बाद क्या होता है, The secretary told him that they could give no information to an outsider. बच्चे गांधी जी को है ना क्या बोल दिया जाता है, outsider, है ना, क्या बोल दिया जाता है, outsider बोल दिया जाता है, कौन करते हैं, British Landlord Association में जो secretary होता है ना, वो secretary क्या कहता है, इसको outsider बता देता है साफ तौर, ठीक है। फिर क्या होता है कि वो कोई information नहीं देंगे, information के लिए साफ तौर पर मना कर दिया जाता है। फिर क्या कहता है, तो गांधी आंसर दैट ही वॉज नो, लेकिन गांधी जी थोड़े से यहां स्ट्रिक्ट है ना,
तो क्या कहते हैं, मैं आउटसाइडर नहीं हूं, ऐसा बोलते हैं, नो आउटसाइडर, है ना। कोई ये वाली बात समझा देते हैं, क्या कहते हैं। नेक्स्ट, अगले स्टेप के ऊपर, गांधी कॉल्ड ऑन द ब्रिटिश कॉफी ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ द तिरहत डिवीजन इन विच द चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले, इससे भी मुलाकात होती है, जहां चंपारण डिस्ट्रिक्ट पड़ता है ना, कहां, तिरहत डिवीजन, यहां बात होती है सर, तिरहत और ये डिवीजन, इस जगह पे ब्रिटिश ऑफिशियल कमीशन है ना, और साथ में गांधी जी, तो इनकी मुलाकात होती है कुछ इस तरीके से, जहां चंपारण डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, इस कंडीशन, ठीक है। फिर क्या कहता है, कमिश्नर गांधी रिपोर्ट्स प्रोसीडेड टू बुली मी एंड एडवाइज मी फोर्थ वे टू लीव तिरहत। देखो जी, बुलाया जाता है, बातें स्टार्ट होती हैं, और सीधे बात ये कही जाती है कि आप यहां से तुरता फुर्ती करके, तुरंत करके निकल जाओ यहां से, आपको यहां रुकने की जरूरत कतई नहीं है, 1% भी आपको यहां नहीं रुकना है, ये बात साफ तौर पे कही जाती है। तिरहत डिवीजन से फटाफट 9-11 हो जाओ, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, ठीक है। डराने वाली बात है बच्चे, क्योंकि ये सोचा है ना, ये भी ऐसा ही होगा, इन्हीं पीजेंट्स की तरह होगा, तो ये वाला सिस्टम कुछ समझाया जा रहा है, ठीक है। चलो फिर क्या कहता है, गांधी डिड नॉट लीव, गांधी जी क्या करते हैं बच्चे यहां पे, है ना, गांधी जी कहते हैं नहीं जाऊंगा, डिड नॉट लीव, है ना, यहां पे क्या कहा जाता है, गांधी डिड नॉट लीव, ऐसी बात बोली जाती है। अब नहीं जाऊंगा, इट मींस क्या दर्शा रहा है, इसमें दर्शा रहा है, इसमें नजर क्या आ रहा है बच्चे, स्ट्रिक्टनेस नजर आ रही है ना, इसमें क्या नजर आ रहा है, डिटर्मिनेशन नजर आ रहा है साफ तौर पर, कि नहीं जाऊंगा, इट मींस हठी इंसान है, कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा। चलो, इंस्टेड ही प्रोसीडेड टू मोतिहारी, मोतिहारी जाने की बजाय द कैपिटल ऑफ चंपारण, चंपारण की कैपिटल बच्चे क्या बताई गई है, मोतिहारी, ध्यान रखना ये चंपारण है और ये मोतिहारी, ठीक है, ये मोतिहारी ये कैपिटल है बच्चे इसकी, ठीक है, ये क्या है, कैपिटल है ना। चलो फिर क्या होता है, द कैपिटल ऑफ चंपारण, सेवरल लॉयर्स अकंपनीड हिम, बहुत सारे लॉयर्स हैं जो क्या करते हैं, सहारा देते हैं, साथ देते हैं, क्योंकि इंडियंस को पता है कि गांधी जी का स्टेटस क्या था, है ना। लॉयर्स क्या करते हैं बच्चे, लॉयर्स क्या करते हैं, गांधी जी के साथ हो जाते हैं, और इनकी बहुत अच्छी बनती है, क्योंकि गांधी जी को पता है इक्वेशन क्या है, और लॉयर्स को साफ तौर पता है कि इंसान क्या है, ठीक है। Several lawyers accompanied him at the railway station. Vast multitude greeted Gandhi. अब देखो, मान लो ये रेलवे स्टेशन है जी, ठीक है, यहां मैं रेलवे स्टेशन बना देता हूं, ये ट्रैक है ना, यहां से ये ट्रैक है, जो कुछ आप मान सकते हो, यहां मैंने बना दिया, ये रेलवे स्टेशन। अब अच्छा, यहां क्या होता है, वास्ट मल्टीट्यूड की बात करता है ना, तो यहां बहुत सारे लोग हैं जो आ जाते हैं, मतलब एक घना ग्रुप बोल सकता हूं मैं, ठीक है, यहां पे लोग ही लोग होते हैं, यहां पे एक यू मान लो ये कंडीशन में लोग ही लोग नजर आ रहे हैं, ठीक है, ये ऐसी वाली कंडीशन जहां भीड़ बहुत ज्यादा है गांधी जी के स्वागत के, है ना, मान सकते हैं साफ तौर पे, ठीक है। वास्ट मल्टीट्यूड ग्रीटेड गांधी, स्वागत करते हैं बच्चे इसका। ही वेंट टू अ हाउस, एक घर पे जाता है, एंड यूजिंग इट एज हेडक्वार्टर्स, देखो अभी बात करेंगे हेडक्वार्टर्स, कंटिन्यूड इज इन्वेस्टिगेशन, हेडक्वार्टर पे जाता है, एक रूम है हेडक्वार्टर, है ना, उस जगह पे जाते हैं, उस हेडक्वार्टर में जाके और इन्वेस्टिगेशन को पीछे क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, लगातार बातचीत शुरू हो जाती है, सलाह मशविरा कंटिन्यू शुरू हो जाता है ना, चीजें आगे बढ़ना शुरू हो जाती है। चल, ए रिपोर्ट केम इन दैट पीजेंट्स हैड बीन मल्ट्रीटेड इन अ नियर बाय विलेज। अब देखो ये क्या आता है, एक जगह से खबर आती है कि इस गांव में यहां, है ना, नियर बाय विलेज के अंदर क्या हो रहा है, मल्ट्रीटमेंट हो रहा है। मैं यहां बना देता हूं, ये है वो नियर बाय विलेज, और क्या हो रहा है, मल्ट्रीटमेंट, है ना, मल्ट्रीट किया जा रहा है, मीन्स बुरे तरीके से व्यवहार किया जा रहा है यहां पे इस जगह, ठीक है, मल्ट्रीटमेंट। फिर क्या होता है, मल्ट्रीटेड इन नियर बाय विलेज, गांधी डिसाइडेड टू गो एंड, सब गांधी जी क्या करते हैं, यहां जाने का डिसाइड करते हैं कि मैं यहां जाता हूं और देखता हूं इक्वेशन हालात क्या है, ठीक है जी। चलो फिर क्या कहते हैं, गांधी डिसाइडेड टू गो एंड सी द नेक्स्ट मॉर्निंग, ही स्टार्टेड आउट ऑन द बैक ऑफ एन हिल। देखो जा कैसे रहा है, ये बेचारे सोच नहीं सकते, और ये हाथी की सवारी करके और वहां पहुंचता है, लेकिन बीच में क्या होता है, ही हैड नॉट प्रोसीडेड फार, मतलब ज्यादा दूर नहीं जा पाया था, ये कह सकता हूं कि यहां है ना, मतलब इस हालात पे है ना, ये मान सकते हैं कि ये
मतलब हाथी मान लो आप, ठीक है, इस तरह के, और यहां हमारे गांधी जी बैठे हुए इसके ऊपर। और ये क्या है, ज्यादा दूर नहीं गया था, बस यहीं तक ही पहुंचा था। क्या होता है, कुछ बातें होती है, देखो क्या होता है, मजे वाली बात है। द पुलिस सुपरिंटेंडेंट मैसेंजर ओवरटेक हिम, यहां से आता है एकदम से और यहां इसको आके रोक लेता है, ओवरटेक कर लेता है बच्चों और रोक लेता है यहां पे। पुलिस सुपरिंटेंडेंट मैसेंजर है ना, वो संदेशवाहक आता है और रोक लेता है इसको। फिर क्या कहता है, एंड ऑर्डर्ड हिम टू रिटर्न टू टाउन इन हिज कैरेज, और ऑर्डर देता है बच्चे यहीं की यहीं इसको ऑर्डर देता है कि फटाफट यहां से निकल जाओ। कहां जाना है आपको, ऑर्डर्ड हिम टू रिटर्न टू टाउन, मतलब जिस शहर से आया वापस चला जाए उस जगह पे, इन हिज कैरेज, इस कैरेज में, ठीक है। गांधी कंप्लाइंट, गांधी जी क्या करते हैं, लड़ाई वाली बात नहीं करते हैं, नॉन वायलेंस वाली बात इन्होंने हमेशा की है, तो कुछ वैसी वाली बातें यहां करते हैं। फिर क्या कहते हैं, गांधी कंप्लाइंट, सहमति हो जाती है बच्चे। द मैसेंजर ड्रो गांधी, लेके जाता है गांधी जी को, है ना, होम वेयर ही सर्व्ड हिम विद एन ऑफिशियल नोटिस टू क्विट चंपारण इमीडिएटली। बैठा के उस गाड़ी में लेके जाता है जिसमें खुद आया है ना, वापस चले जाते हैं और यहां पे जाके बैठ के बातें होती है और नोटिस निकाला जाता है बच्चे। यहां पे नोटिस क्या करने का, क्विट करने का, ठीक है। अभी की अभी आपको यहां से किसी भी कीमत पे निकल जाना है, ये बात भूली जाती है साफ तौर पे, ठीक है, ये है बात। फिर क्या कहते हैं, गांधी साइंड अ रिसीट फॉर द नोटिस, गांधी जी क्या करते हैं उस पे ना, उस रिसीट के ऊपर बच्चे साइन कर देते हैं विलिंगली, है ना, उस पॉइंट के ऊपर साइन कर देते हैं और नीचे क्या लिख देते हैं वो बात करने वाले। गांधी साइंड अ रिसीट फॉर द नोटिस एंड रूट ऑन इट दैट ही वुड डिसओबे द ऑर्डर। इस रिसीट पे क्या लिखा जाता है, डिसओबे द ऑर्डर, इस ऑर्डर को कैंसिल करने वाली बात है कि मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं, है ना, ये वाला साइन कर देता है कि मैं ऑर्डर को डिसओबे करता हूं, नहीं मानता आपकी बात, आपको जो करना है आप कर सकते हो, ये वाली बात कुछ बोली जाती है यहां पर। यहां तक का कुछ डाउट है, परेशानी है, दिक्कत है, बता सकते हो फटाक से। आप कमेंट करेंगे बच्चे फटाक से। बताओ बताओ जल्दी से बताओ। निखिल कह रहे हैं क्लियर है, ठीक है बच्चे। और बाकी रेशो क्लियर, अमन नो सर ठीक है, मानवी क्लियर है सर ठीक है भाई, अलका क्लियर, शुभम क्लियर, और बोलो फटाक से, कोई डाउट पूछना चाह रहे हो, कुछ माइंड में आ रही हो वास्तु, ठीक है भाई ओके, चलो फिर आगे चलते हैं ना। अंकिता क्लियर सर ठीक है भाई, ठीक है भाई ओके भाई, चलो चलते आगे ना, अब कंटिन्यू करते हैं और कंटिन्यू करते हैं, इस बात को आगे बढ़ाते हैं, कुछ थोड़ी सी बातें हैं वो कर लेते हैं, है ना, अब कुछ थोड़ी सी बातें उनको चेकआउट करते हैं। इन कंसीक्वेंस गांधी रिसीव्ड अ समन टू अपीयर इन द कोर्ट द नेक्स्ट डे। अब बच्चे क्या होता है, इस चीज को मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ ना, ताकि इक्वेशन सही बनी रहे और हम हमारे काम को कंटिन्यू, मैं थोड़ी सी चीजें बनाने में ज्यादा विश्वास करता हूं ताकि दिक्कत ना आए ना, मैं यहां से मिटा देता हूं, जो तस्वीर बनेगी आगे वो वाली और तैयार हो जाएगी प्रॉपर, है ना, बस इतना ही कर लेते हैं, फिर देखेंगे बात की जरूरत होगी तो बाद में देखेंगे, ठीक है। क्या करते हैं देखो, इन कंसीक्वेंस परिणाम स्वरूप क्या होता है, गांधी रिसीव्ड अ समन, बच्चे गांधी जी को है ना क्या भेज दिया जाता है, समन भेज दिया जाता है, और समन भेज दिया जाता है तो समन जो कोर्ट लैंग्वेज में बोला जाता है ऑर्डर होता है कोर्ट में प्रेजेंटेशन के लिए, इसको कोर्ट में जाने के लिए बोला जाता है ना। परिणाम स्वरूप किसका परिणाम स्वरूप है, जो थोड़ी देर पहले बात पढ़ी है, तो उसको बोला जाता है कम चंपारण को छोड़ जाओ फटाक से, वो वाली बात है, ठीक है। तो ऑल नाइट गांधी रिमेंड अवेक, है ना, सारी रात जी बच्चे गांधी जी क्या करते रहे, नाइट को है ना जागते रहे, सोए नहीं, सारी रात अवेकिंग कंडीशन में थे, है ना, वो सिर्फ जो ना परेशान नहीं थे, क्या बना रहे थे, अपना आगे का जो कार्रवाई करनी है वो तैयार थे, ठीक है। ही टेलीग्राफ राजेंद्र प्रसाद टू कम फ्रॉम बिहार विद इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स। अब है ना जी ये क्या करते हैं, राजेंद्र प्रसाद को क्या करते हैं जी, राजेंद्र प्रसाद को ये बच्चे क्या करते हैं, टेलीग्राम भेज देते हैं, मींस मैसेज कन्वे किया जाता है, और क्या कहा जाता है कि इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स है ना, मतलब आपके जो अच्छा प्रभावी और प्रभुत्व है आपका, है ना,
उसके साथ आपको कहां जाना है, वो जगह का नाम क्या बोला है, प्रसाद टू कम फ्रॉम बिहार विद इन, बिहार से है जी, यहां राजेंद्र प्रसाद अभी बिहार में और बिहार में ही रह रहे हैं, सही बात है, इनके साथ आपको कहां आना है, यहां आ जाना है, ठीक है। ही सेंड इंस्ट्रक्शंस टू द आश्रम, अब देखो क्या किया जाता है, यहां गांधी जी आश्रम होता है ना, उस आश्रम में भी इंस्ट्रक्शंस भेज दिए जाते हैं, ये आश्रम मान लो, इसमें इंस्ट्रक्शंस भेज दिए जाते हैं बच्चे को, ठीक है। फिर क्या कहता है, ही वायर्ड अ फुल रिपोर्ट टू द वाइसरॉय, एक पूरी रिपोर्ट तैयार की जाती है ना, पूरी रिपोर्ट तैयार की जाती है और भेज दी जाती है वाइसरॉय के पास, ठीक है। मॉर्निंग फाउंड द टाउन ऑफ मोतिहारी ब्लैक विद पीजन, अब अच्छा ये मान सकते, देखो ये वाली जो चीज है ना, यहां मतलब आप कुछ भी मान सकते हो, ठीक है, ये इस तरह से बना दे हम, ठीक है, यहां हमने बनाया, जल्दबाजी नहीं करेंगे, आराम से क्लास कंटिन्यू करनी ही है हमें, ठीक है। हाँ तो ना ये मतलब सब कुछ क्या नजर आ रहा है, ये ऐसा नजर आ रहा है, ये प्लेस कौन सी है, मतलब कोई जगह खाली नहीं है, हर जगह मुंडियां मुंडियां नजर आ रही है ना, मुंड ही मुंड नजर आ रही है, ये बात हम भूल सकते हैं, ठीक है, ये बात भूली जाती है यहां पे, ठीक है। ये क्या है बच्चे, ये मोतिहारी है, ठीक है, हाँ ये मोतिहारी है, और सारे का सारी कंडीशन कहीं ना कहीं ऐसी नजर आती है, इसको छोटे पार्ट में इसीलिए बनाया है ना। क्या कहता है, मॉर्निंग फाउंड था, ये मॉर्निंग का समय बच्चे, ये मॉर्निंग जब हुई ना तो मतलब शाम के समय कुछ था और सुबह के समय बच्चे कुछ हालात है कि लोग तैयार है सब कुछ झोंक देने, है ना, ये वाली बात साफ तौर पे झलकती है। फिर क्या कहते हैं, दे डिड नॉट नो गांधी रिकॉर्ड इन साउथ, गांधी जी का रिकॉर्ड है ना बच्चे, या गांधी जी का जो रिकॉर्ड है कहां, साउथ अफ्रीका है ना, ये साउथ अफ्रीका है और इस साउथ अफ्रीका में रिकॉर्ड है ना जो गांधी जी का, क्या है रिकॉर्ड, वो पता नहीं है इनको कि गांधी जी का साउथ अफ्रीका में जहां इन्होंने पढ़ाई की थी वहां इनका रिकॉर्ड क्या रहा है नहीं जानते हैं एग्जैक्ट ये हस्ती क्या है, ठीक है। दे हैड मेयरली हर्ड दैट अ महात्मा हु वांटेड टू हेल्प देम वाज इन ट्रबल विद द अथॉरिटीज, देखो क्या कहता है, अब सिर्फ इतना सुना था कि जो आप लोगों के लिए लड़ रहा है वो ट्रबल में है अथॉरिटीज के साथ, अथॉरिटीज बच्चे क्या होता है, अथॉरिटीज या ब्रिटिशर्स हैं जो कोर्ट्स वाले हैं, हम बोल सकते हैं क्योंकि आधिपत्य उन्हीं का ही है, तो हम सीधे तौर पे ये बात कंफर्म कर सकते हैं कि एक्चुअल कंडीशन क्या है, है ना। अब ये पर्सन गांधी जी जब यहां ट्रबल में है, परेशानी में है, घेर रखा है इसको तरीके से, तो जी ये ट्रबल वाली कंडीशन में हो जाता है तो सुन लेते हैं बस, और सारे आन पड़ते हैं कि जी हम देखेंगे एक्चुअल क्या है, कैसे उसको परेशान करेंगे, है ना, वो वाली बात होती है। द स्पॉन्टेनियस डिमॉन्स्ट्रेशन इन थाउजेंड्स, मतलब इसको मैं क्या बोल सकता हूं, मतलब स्वेच्छा से वहां पहुंच जाना फ्लो के साथ, है ना, स्वेच्छा है ये अपनी मर्जी से, इन थाउजेंड्स हजारों की संख्या में, थाउजेंड्स की कैटेगरी मान सकते हैं बच्चे इसको, यहां साफ तौर पे मैं क्या लिख सकता हूं, थाउजेंड्स और सेल्फ विलिंग के साथ, है ना, इनको पता नहीं कि ये बंदा कौन है कौन नहीं है, लेकिन ये फिर भी इसके लिए क्या करते हैं पहुंच जाते, जब इनको ये पता चलता है कि तुम्हारे लिए कोई लड़ने वाला है और वो परेशान है तो ये बच्चे पहुंच जाते हैं, ठीक है। अराउंड द कोर्ट हाउस, ये मान लो ये कोर्ट हाउस है, इसके चारों तरफ है ना ये गिर जाते हैं, या ये मान लो इसको भी हम थोड़ा देते हैं कोर्ट हाउस बोल सकते हैं, और इसके चारों तरफ गिर जाते हैं प्रॉपरली, ये बात आ सकती है सामने, ठीक है। फिर क्या कहते हैं, वॉज द बिगिनिंग ऑफ देयर लिबरेशन, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है इसको ध्यान रखना, वॉज द बिगिनिंग ऑफ देयर लिबरेशन फ्रॉम द फियर ऑफ द ब्रिटिश, है ना, बिगिनिंग ऑफ लिबरेशन, यही लिखूंगा बात को, बिगिनिंग ऑफ लिबरेशन फ्रॉम द फियर ऑफ ब्रिटिश, ठीक है बच्चे, ये चीज शुरू हो जाती है जब ये पता चलता है ना आप फियर से मुक्त होने वाले हो, ब्रिटिशर से मुक्त होने वाले हो, फियर का दूसरा ना फियर इज इक्वल टू ब्रिटिश, ये बोल सकता हूं मैं, है ना, फियर इज इक्वल टू ब्रिटिशर्स, ये मान लो ये चीज अल्टीमेट है, फियर इज इक्वल टू ब्रिटिशर्स, है ना, इन्हीं के कारण ही तो था सारा, जब ये हट गया ना बच्चे तो ये ऑटोमेटिकली, ये हट गए तो ये अपने आप चला जाएगा, है ना, और ये शुरुआत थी यहां पे इनके आने की, स्पॉन्टेनियस डिमॉन्स्ट्रेशन इन थाउजेंड्स इज द बिगिनिंग ऑफ देयर फियर फ्रॉम द ब्रिटिशर्स, ये साफ तौर पे झलकती है इस कंडीशन से, ये बात आ रही है बात समझ में, है ना, कुछ ऐसी बातें हैं। चलो थोड़ी सी बातें और करते हैं,
कुछ इस बारे में पूछना चाह रहे हो तो बता दो एक बार, है ना, जल्दी से बताओ एक बार, कमेंट दे दो फटाक से, फिर मैं आगे की कहानी बयां करता हूं जल्दी से, है ना, एक पैराग्राफ दो चार लाइन और भी हो जाएंगे, फिर आगे कल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना, कल तो खैर नहीं हो पाएगा, अब दोबारा वेनसडे कोई क्लास होगी हमारी, बताओ बताओ जल्दी से, कोई पूछना है तो, कोई डाउट वगैरह बोले, हाँ जल्दी से बोल दिया करो। चलो महेश रहो एक्टिव है प्रॉपरली, वेरी गुड महेश, बड़ा अच्छा लगा आप एक्टिव हो। निखिल, अलका, वसु, ठीक है सर, ओके, संजू, ठीक है, चलो जी कुछ अंतिम पंक्तियां और पढ़ लेते हैं और फिर ओवर करेंगे ना, बस जल्दी से, अब मत करना कमेंट। द ऑफिशियल्स फेल्ट पावरलेस, बच्चे देखो जब ये कंडीशन होती है ना तो यहां जितने इनको मैं क्या, कुछ समय के लिए मान लो ये ब्रिटिशर्स है ना, इन ब्रिटिशर्स को मैं क्या कर सकता हूँ, ये थोड़ी देर के लिए मैं मान सकता हूँ ये ब्रिटिशर्स हैं, ये ब्रिटिशर्स पावरलेस हो गए जब ये दिखे ना, ये यहां दिखे तो ब्रिटिशर्स के पर खच्चे हो गए, ये हालात क्या हो गए, है ना, इस इंसान के लिए और ये कंडीशन यहां तक आ गई है, बहुत कुछ चला गया है, नहीं हो सकता कुछ, है ना, ऐसा होता है विदाउट गांधीज कोऑपरेशन। अब इनको समझ आता है गांधी जी का रोल क्या है, या गांधी के कोऑपरेशन के बिना, है ना, कुछ होना जाना नहीं था, सारे खिलाफत, ही हेल्प देम रेगुलेट द क्राउड। और जैसे नेता लोग आके एक बार यूं करते हैं ना, बस एक बार यूं करके तो इंसान सोचते हैं हाँ जी मेरी तरफ ये सब कुछ, है ना, तो ये क्या करता है गांधी, यूं नहीं है कि लोगों को अगर बुला लिया तो जी मतलब सब कुछ बेकार ही काम हो जाए, ऐसा नहीं था, है ना, रेगुलेट, उनको ठीक करने में मदद करता है कि शोर नहीं करना है आपको, दिक्कत क्रिएट नहीं करनी है, लड़ना झगड़ना नहीं है, इनके खिलाफत कुछ नहीं करना है, मैं हूं यहां पे, है ना, और क्राउड को हैंडल करने में मदद करता है, ठीक है। He was polite and friendly, बहुत ही पोलाइट और फ्रेंडली नेचर के साथ काम होता है, ठीक है। He was giving them concrete proof, concrete solid proof देता है बच्चे, that their might could be challenged by Indians, कि उनकी जो पावर है ना उनको चैलेंज किया जा सकता है इंडियंस के द्वारा किसी भी कीमत के ऊपर, है ना, उसको चैलेंज करेंगे इंडियंस, चैलेंज करेंगे और आप रोक सको तो रोक लेना, है ना, ये स्टार्टिंग थी बच्चे यहां से। Hitherto dreaded and unquestioned, ये hitherto जो वर्ड है ना बच्चे क्या समझा रहे हैं, अब तक, dreaded डरा हुआ, है ना, and unquestioned जिसके क्वेश्चन का कोई रेस्पॉन्स ही नहीं था, है ना, अनक्वेश्चन कर दिया, क्वेश्चन हमने लिखा उसका कोई रेस्पॉन्स नहीं आया, मतलब हर चीज को इग्नोर कर दिया गया, कहीं भी रेस्पॉन्स नाम की चीज नहीं थी इंडियंस के लिए ब्रिटिशर्स के द्वारा। जैसा यहां पे थोड़ी देर पहले पढ़ा था जब वो आगे जा रहा था, मैंने हाथी वाला एग्जाम्पल दिया था बच्चा आपको, ये वाला है ना, वो आगे रोकता है और बिठा के लेके जाता है, यहां से निकलने को बोलता है, अपने टाउन चले जाओ, ऐसी बातें बोली जाती है, फिर उसको या फिर समन भेजा जाता है कि आप चंपारण छोड़ जाओ, क्विट कर जाओ, लेकिन वो मना कर देता है, साइन करके डिसोबे द ऑर्डर लिख देता है, ये वाली बात कुछ सामने आती है, ठीक है। तो कुछ ऐसी बातें होती है यहाँ पे, ये आगे है, लास्ट लाइन और पढ़ देते हैं बस। द गवर्नमेंट वॉज बेफल, गवर्नमेंट क्या हो जाती है बच्चे, सकपका जाती है गवर्नमेंट, जो ब्रिटिशर्स है एकदम से सकपका जाती है, घबरा जाते हैं कि क्या करें, है ना। The prosecutor requested the judge to postpone the trial. अब prosecutor कौन है बच्चे? Prosecutor है जो lawyer होता है उसके लिए। वो क्या करता है? Prosecutor request करता है judge से कि trial है ना, जो अब आगे कार्रवाई होगी, इसको postpone किया। क्यों किया जाए postpone? Postpone क्यों किया जाए? मतलब ये गांधी ने तुम्हें हिला के रख दिया, है ना? गांधी के साथ ये लोग आए तो हिल गए बेचारे। मतलब इतना सा ही था। Roots बहुत गहरी नहीं थी इनकी, लेकिन fear खुद के माइंड में खुद ज्यादा बना लिया, दिक्कत यहां आ गई, इससे ज्यादा कुछ नहीं था, ठीक है। अपेरेंटली द अथॉरिटीज विश टू कंसल्ट देयर्स, अब उनको भी जरूरत पड़ गई, सुपीरियर से मिलने जाएंगे बच्चे, कि हम सुपीरियर से मिलेंगे साफ तौर पे, जब हम सुपीरियर से मिलेंगे तब जाके आगे की जो कार्रवाई है उसको आगे बढ़ा पाएंगे। ब्रिटिशर्स का है ये तो बेचारे फिर भी सोचे, लेकिन ब्रिटिशर्स का ये कि ऐसी थोड़ी सी कंडीशन आने पे ही वो पका गए, घबरा गए और यूं कह रहे हम तो आगे पोस्टपोन करवाना चाहते हैं ट्रायल को, है ना, और आगे जब हमारे अथॉरिटी से कंसल्ट करेंगे उसके बाद हम सॉल्यूशन पे आ पाएंगे कि हमें करना क्या है, ठीक है बच्चे। तो आज के लिए इतना ही करेंगे, है ना, ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे, कम ही बात की है, ज्यादा फालतू बात कुछ भी नहीं है, बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। आपको इतना करना है, अब यहां कोई डाउट है ना दो चार मिनट बता दो, एक बार लास्ट एंड फाइनल करते हैं, बस कंक्लूड कर देते हैं इसको, बताओ एक बार कोई डाउट परेशानी दिक्कत, हाँ जल्दी से रिस्पॉन्स कर दो फटाक से। और होमवर्क आपको ध्यान रखना है, क्या करना है, इसमें से क्वेश्चंस बनाने हैं आपको मिनिमम, मैंने बहुत सारी चीजें समझा दी है, तो मिनिमम आप 30 क्वेश्चंस बना सकते हो, है ना, बना ही लेना 30। चलो रिस्पॉन्स आ रहा है, सभी का रिस्पॉन्स आ रहा है,
संजू, रिशु, दिव्या, मानवी, अमन, संजू, मानवी, अंकिता, रिशु, अलका, अमन, चलो बहुत बढ़िया बात है ना। आपको 30 क्वेश्चन इसमें मेंशन करने, अलग अलग चीजों को मेंशन कर जाओ, सारी चीजें टर्निंग पॉइंट क्या है वो एक एक चीज आपके माइंड में होनी चाहिए। मैप मैंने ड्रॉ कर दिया है, उसमें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अब आपकी किसी भी कीमत पे ध्यान रखनी है प्रॉपर बात। और इसी के साथ क्या करते हैं, कहानी की एंडिंग करते हैं। और आप लोगों को पढ़ना है, इसमें होमवर्क करना है और चीजों को रिवाइज करना है ना, थोड़ी बहुत चीजें आगे ध्यान रखनी है। जी दिव्या, शुभम, यश, ठीक है भाई, है ना, एंडिंग करते हैं क्लास की। तब तक के लिए गुड बाय, राम राम, टाटा।